गाइज वेलकम बैक माई चैनल माई सेल्फ चंचल भाटिया एंड टुडे वी आर डूइंग स्टडी अबाउट वाटर। जी हाँ बच्चों, ये आपकी एनसीईआरटी की क्लासेस की साइंस की बुक का 14 चैप्टर है। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सपोज फॉर सम रीज़न योर फैमिली गेट ओनली वन बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर अ वीक। अगर मान लीजिए एक हफ्ते तक आपकी फैमिली को डेली सिर्फ एक बकेट वाटर यूज़ करने के लिए मिले तो आपको कैसा, मतलब आप कैसे मैनेज करेंगे, क्या होगा? तो पानी तो क्या है, हमें काफ़ी सारे कामों के लिए यूज़ में आता है। पीने के लिए भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे हम इसी में देखते हैं, हाउ मच वाटर डू वी यूज़। पानी को हम दिन भर में कितना इस्तेमाल करते हैं वो हमें एक टेबल के थ्रू बताना है। एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय फैमिली इन अ डे। अगर आपकी फैमिली में मान लो 5 मेंबर हैं तो हमें कितना कितना वो पानी ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करेंगे, ब्रशिंग के लिए यूज़ करेंगे, बाथिंग, वॉशिंग स्टेल, वॉशिंग क्लॉथ, टॉयलेट्स, इन सब में कितना पानी इस्तेमाल होगा वो सब हमें लिखना है, कितने लीटर इस्तेमाल होगा, और फिर उन सब को टोटल कर लेना है। तो जब हम टोटल कर लेंगे तो क्या होगा, यू नाउ यू हैव अ रफ आइडिया एज टू शो मच वाटर योर फैमिली यूज़ इन अ डे। एक दिन में हमारी फैमिली कितना पानी यूज़ करती है हमें एक रफ आइडिया लग जाएगा। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड योर फैमिली। तो हमें क्या करना है कि इन सबको ऐड कर देना, और ऐड करने के बाद इन सबको हमें डिवाइड कर देना है। जितने हमारे फैमिली मेम्बर हैं उसमें हमें इन सबको डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने से हमें पता लग जाएगा कि हमारी फैमिली में पर डे कितना वाटर पर मेंबर यूज़ करता है। इसी तरह से हम विलेज और टाउन का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बूझो ये ही जानना चाहता है कि जैसे अलग अलग रीजन में लोग रहते हैं तो क्या वो भी सेम क्वांटिटी पर डे यूज़ करते हैं। वो बूझो यही जानना चाहता है। और इसके अलावा पानी जो है कई सारी हमें एक्टिविटी के लिए यूज़ में चाहिए होता है, लेकिन पानी तो क्या है, लिमिटेड होता है, ओवर तो होता नहीं है। तो जैसे पानी का हम यूज़ करते हैं किसमें, वीट, राइस, पल्स, वेजिटेबल, इन सबको बनाने में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा पानी कई सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे प्लांट है, हमें अपना फूड बनाने के लिए हमें हमारा जो फूड है वो प्लांट से आता है, और इसके अलावा प्लांट को ग्रो करने के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और हमें भी अपने फूड के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वाटर जो है कई सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए भी वाटर का यूज़ किया जाता है। अब आगे इसी में देखते हैं कि जैसे पानी जो है, पानी कहाँ से आता है हमारे घरों में, पानी आता है हमारे घरों में रिवर, लेक, वेल, इन तीनों जगह से क्या है हमारे घरों में पानी आता है, जो कि नेटवर्क, जो कि पाइपों के थ्रू हमारे घर में टैप में लगे हुए होते हैं और उनमें पानी आता है। और इसके आगे पानी के जो सोर्स हैं वो हमने देख लिए। पानी के सोर्स कौन कौन से, हमारे पॉन्ड, लेक, रिवर, वेल, ये क्या है हमारे पानी के सोर्स हैं। और जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ का जो 3/4 पार्ट है ना, 3/4 पार्ट, उसमें सॉरी 2/3 जो पार्ट है ना हमारी अर्थ का, उसमें क्या है, वाटर ही वाटर है। अगर जैसे हमारी अर्थ के 3 पार्ट है ना, 3 में से 2 पार्ट में तो सिर्फ वाटर ही वाटर है हमारी अर्थ में। अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर 2/3, जो हमारी अर्थ है वो 2/3 पार्ट में वाटर से कवर्ड है, उसमें वाटर इतने सारे हमारे अर्थ पे क्या है, ओशियन है, मतलब 70% जो है हमारी अर्थ पे ओशियन है, वाटर है। तो इसी में दो लाइन लिखी हैं, एक राइटर हैं एस टी कॉलर्स, उन्होंने 2 लाइन्स लिखी हैं, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। तो और जो ओशियन का जो वाटर होता है वो होता है सॉल्टी वाटर, तो इसलिए उसको बोलते हैं हम सलाइन वाटर बोलते हैं। तो पानी मैनी ऑफ लिव इन प्लेस फार अवे। हम जो है ओशियन जो है हमसे काफ़ी दूर है, लेकिन जो वाटर है हमारे घरों में सप्लाई होता है। ओशियन का जो पानी होता है वो तो क्या है, सॉल्टी होता है, तो वो हमारे पीने लायक नहीं होता, लेकिन जो पॉन्ड, रिवर, लेक और वेल से जो पानी आता है वो हमारे घरों में यूज़ होता है, और वो सलाइन वाटर होता है, मतलब वो सॉरी जो ओशियन का वाटर होता है वो तो सलाइन होता है, वो हमारे पानी के यूज़ पीने के लायक नहीं होता है, लेकिन जो रिवर, पॉन्ड और लेक का जो वाटर होता है वो हमारे पीने लायक होता है। अब इसी में हम देखते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में हम देखेंगे कि पानी कहाँ से आता है, डेस्परिंग ट्रिक ऑफ वाटर।
पानी कैसे बनता है, कहाँ से आता है। ये देखिए हमें एक ये पिक्चर दिखाई हुई है। इस पिक्चर में क्या है, ये सन है और यहाँ पर क्या है, कपड़े सूख रहे हैं और इन कपड़ों से क्या है, जो वाटर की ड्रॉप्स है ना, वो वाटर वेपर बन के उड़ रही हैं। तो जब ये वाटर वेपर सन वाटर वेपर बन के जो उड़ती हैं हवा में जाती हैं एयर के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इवोपरेट। द वाटर इज़ इवोपरेटेड एंड द सॉल्ट वॉज लेफ्ट बिहाइंड। जब पानी भाप बन के उड़ जाता है और जो सॉल्ट है वो पीछे रह जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं इवोपरेशन। तो इस इवोपरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जब जैसे आपने घर में हम चाय बनाते हैं, ठीक है, चाय बनाते हैं, तो हमारा जो पानी है वो उबलने लगता है, पानी उबलता है, वाटर की ड्रॉपलेट्स हीट उड़ती हुई हमें दिखाई देती है। हीट जब मतलब पानी को मिल रही होती है तो स्टीम जो है हमें उड़ती हुई दिखाई देती है। तो ये जो स्टीम होती है ना, ये हमें क्यों इसलिए दिखाई देती है, क्योंकि जब हम हीट दे रहे होते हैं ना, तो उस समय क्या है, हीट ज़्यादा होती है तो हमें उड़ती हुई दिखाई देती है, तो ये वाटर वेपर हो रहा होता है। लेकिन इसी तरह से क्या है, जो रिवर पॉन्ड और लेक होता है ना, वहाँ पर सनलाइट के प्रेजेंस में क्या है, फुल डे, जब डे टाइम पे फुल जब तेज़ सन की रोशनी होती है तो उस टाइम इवोपरेशन होता है। लेकिन क्या है कि वो क्या है, पूरा फुल डे होता है और वो धीरे धीरे होता है, तो इसलिए हमें वो सन जो वाटर वेपर है वो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो वाटर वेपर फुल डे होता है। अब इसी तरह से हमें एक एक्टिविटी टू है, एक्टिविटी टू में हमें क्या दिखाया दिया है कि देखो ये एक घर है, घर के बाहर एक बर्तन रखा हुआ है जिसमें पानी है, और जब सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, वाटर की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो भाप बन के उड़ रही हैं, और जब ये भाप बन के ऊपर उड़ रही हैं तो ये ऊपर जाके क्या बन जाती हैं, क्लाउड बन जाती हैं। अब हमने एक तो देख लिया इवोपरेशन का प्रोसेस, उसी तरह से हम एक और प्रोसेस देखते हैं, जिस तरह से वाटर वेपर होता है, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट। अब प्लांट में भी पानी होता है, प्लांट को हम पानी देते हैं तभी तो प्लांट ग्रो करता है, तो लीव्स में क्या है, पानी लीव्स के पानी को स्टोर कर लेती है, तभी तो अपना फूड बना पाती हैं। तो लीव्स से जब पानी भाप बन के उड़ता है, वाटर वेपर बन के उड़ता है, तो इसको अपन बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और जब वो रिवर और लेक से पानी भाप बन के उड़ता है, तो इसको अपन बोलते हैं इवोपरेशन। तो जो इवोपरेशन, वो जो वाटर वेपर के क्या दो प्रोसेस होते हैं, उसको अपन बोलते हैं, फर्स्ट होता है हमारा इवोपरेशन और सेकंड होता है हमारा ट्रांसपिरेशन। इवोपरेशन तो रिवर लेक पॉन्ड्स में होता है, और ट्रांसपिरेशन होता है हमारे प्लांट्स में। तो इस तरह से दो तरह से वाटर वेपर होता है। अब हम आगे देखेंगे हाउ आर क्लाउड फॉर्म, क्लाउड कैसे बनता है। क्लाउड देखो कि क्लाउड कैसे बनता है, क्लाउड के लिए क्या होता है कि देखो, जैसे हमने एक ग्लास में पानी लिया, ठीक है, ग्लास में जब हमने पानी लिया तो ये जो पानी होता है ये वार्म पानी होता है। इसमें वार्म पानी में क्या होता है कि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ऊपर की तरफ, आप देखना कभी भी ऊपर की तरफ उड़ रही होती है, और जब ये ऊपर की तरफ उड़ती हैं तो ये एक जगह इकट्ठी हो जाती है, और इकट्ठी होने के बाद ये क्या होती है, हल्की हो जाती है। पहले तो ये गर्म होती हैं, फिर ये ठंडी हो जाती हैं, जब ये ठंडी हो जाती हैं तो ये क्लाउड बन जाती हैं, इस तरह से आपस में जुड़ जाती हैं और ये क्लाउड बन जाती हैं। तो जब ये क्लाउड बन जाती हैं तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। कंडेंसेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जब रिवर और पॉन्ड से वाटर वेपर बन के जब ऊपर उड़ता है, स्काई में जाता है, सनलाइट के प्रेजेंस में ऊपर उड़ता है, तो वो जब ऊपर उड़ने के बाद, पहले जब हीट ऊपर जाती है, स्टीम जब ऊपर जाती है, वाटर वेपर ड्रॉपलेट जब ऊपर जाते हैं तो वो गर्म होती है, लेकिन एयर के प्रेजेंस में वो क्या है, हल्की हो जाती है, फिर वो क्लाउड बन जाती है। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कंडेंसेशन। और फिर वापस फिर क्या होता है कि जब ये हल्की हो जाती हैं, तो जब वापस ये क्या हल्की हो जाती हैं, तो ये वापस अर्थ पे आती हैं, तो ये अर्थ पे जब वापस आती हैं तो इसको अपन बोलते हैं रेनफॉल। तब क्या होता है, रेनफॉल होता है, इस तरह से बारिश होती है। तो एट सफिशेंट हाइट, जब एक सफिशेंट हाइट के बाद वाटर वेपर ऊपर उड़ जाता है, और उड़ने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है, तो ये वाटर वेपर की प्रेजेंस में ये कंडेंस होता है, और कंडेंस होने के बाद जब ये ड्रॉपलेट ड्रॉप्स क्या है, ड्रॉपलेट बन जाती हैं, ड्रॉपलेट जब बन जाती हैं तो ये
एक एयर की प्रेजेंस, जब एयर प्रेजेंस होती है तो ये ठंडी हो जाती है, तो फिर ये ठंडी हो जाती है तो वापस रेनफॉल बन के अर्थ पे नीचे आ जाती हैं। मतलब क्या होता है कि जब वाटर वेपर होता है तो स्टीम जो है ऊपर की तरफ जाती है, स्टीम जब ऊपर की तरफ जाती है तो जब ऊपर पहले तो वो गर्म होती है, लेकिन जब एयर के प्रेजेंस में क्या है वो हल्की हो जाती है और वो क्लाउड बन जाती है। फिर जब वो क्लाउड हल्का हो जाता है तो वो रेन के रूप में वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वापस अर्थ पे आती हैं। तो इस तरह से हमारी अर्थ पे रेनफॉल होता है, इस तरह से हमारी अर्थ में रेन होती है। तो ये होता है रेन होने का प्रोसेस और ये होता है हमारा। अब ये देखो इसकी थोड़ी सी समरी भी दी हुई है। वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज इनटू एयर बाय इवोपरेशन एंड ट्रांसपरेशन। वाटर जब वेपर बनता है तो वो वेपर इवोपरेशन और ट्रांसपरेशन के प्रोसेस से होता है, और फिर ट्रांसपरेशन और इवोपरेशन के प्रोसेस के बाद क्या होता है वो क्लाउड बन जाता है, और जब वो क्लाउड बनता है तो क्लाउड वापस जब नीचे आता है अर्थ पे जब वो नीचे आता है तो वो रेन हॉल और स्नो बन जाता है। तो स्नो इन तीनों के रूप में वो रेन वापस के क्लाउड जो है और ड्रॉपलेट जो है हमारे अर्थ पे नीचे आती हैं। अब हम बात करेंगे बैक टू द ओशियन। व्हाट हैपन टू द वाटर दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग टू डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ। उस समय क्या होता है जब रेन के थ्रू अलग अलग रीजन में पानी द अर्थ पे आता है। ऑलमोस्ट ऑल लैंड सरफेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशियन। तो जितना भी लैंड का सरफेस है वो जो ओशियन से अबव है। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो सूनर लेटर गोज टू द बैक टू द ओशियन। बहुत सारा पानी तो वापस लैंड पे रेन के थ्रू या स्नो के थ्रू वापस लैंड पे आ जाता है, ठीक है, और ओशियन में पानी चला जाता है। स्नो इन द माउंटेन मेल्ट इनटू वाटर। स्नो माउंटेन पे गिरती है और वो मेल्ट होकर पानी बन जाती है। दिस वाटर फॉल डाउन माउंटेन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर। तो ये पानी फिर बहता हुआ माउंटेन से बहता हुआ स्ट्रीम्स में और रिवर में वापस चला आता है, नीचे ज़मीन पर आ जाता है रिवर और स्ट्रीम्स में। सम ऑफ द वाटर दैट फॉल ऑन लैंड एज रेन। कुछ पानी वापस लैंड पे आता है रेन के थ्रू और ऑल्सो फ्लो इन द रिवर ऑफ, और कुछ पानी जो डायरेक्ट रिवर में ही आता है और स्ट्रीम में आता है। कुछ पानी है जो माउंटेन में स्नो के रूप में आता है, लेकिन जब स्नो मेल्ट होती है तो वापस पानी जो है नदियों में और स्ट्रीम्स में वापस नीचे आ जाता है, और कुछ पानी डायरेक्ट रिवर और स्ट्रीम्स में ही आता है। मोस्ट ऑफ द रिवर कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन लैंड। बहुत सारी रिवर जो होती हैं वो बहुत लंबा डिस्टेंस लेती हैं, बहुत लंबी मतलब एरिया में होती हैं ज़मीन पे, एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू अ सी और ओशियन। और उसके बाद फिर वो पानी जो है रिवर से पानी कहाँ जाता है सी या ओशियन में, लास्ट में सी और ओशियन में पानी चला जाता है। हाउएवर वाटर ऑफ सम रिवर फ्लो इनटू लेक। तो इस तरह से पानी जो है रिवर से लेक्स में फ्लो करता है, फ्लो चला जाता है। तो क्या होता है जब वाटर वेपर होता है, इवोपरेशन और ट्रांसपरेशन होता है, तो पानी पहले तो ऊपर जाता है वेपर हो करके क्लाउड बन जाता है और फिर वापस रेन के फॉर्म में नीचे आता है। तो वो पहले माउंटेन पे तो स्नो के रूप में फॉर्म में और या फिर रेन के फॉर्म में रिवर्स में स्ट्रीम्स में आता है वाटर। और इसके अलावा जो पानी है वो जो माउंटेन में स्नो के रूप में आता है वो मेल्ट होके स्नो वापस लैंड पर रिवर में आ जाता है पानी। तो इस तरह से पानी वापस, और जो रिवर वाला पानी है वो ओशियन में चला जाता है। तो इस तरह से हमारे जो ओशियन है वो भर जाते हैं। द रेन वाटर ऑल्सो फिल अप द लेक एंड पॉन्ड। तो जो रेन वाटर से क्या है लेक्स और पॉन्ड्स भी फिलअप हो जाते हैं, भर जाते हैं। अ पार्ट ऑफ द रिवर वाटर गेट अब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड एंड सीन टू द डिसअपीयर इन द सॉइल। और जो ये रेन वाटर का जो पानी होता है, जो रेन का पानी होता है, वो ग्राउंड में अब्जॉर्ब हो जाता है या फिर सॉइल में छिप जाता है, सॉइल में अंदर चला जाता है। सम ऑफ दिस वाटर इज़ ब्रॉट बैक टू द एयर बाय प्रोसेस इवोपरेशन और ट्रांस। और फिर इसमें से कुछ पानी वापस इवोपरेशन और ट्रांसपरेशन के प्रोसेस से एयर
के प्रेजेंस में वापस ऊपर स्काई में चला जाता है, इवोपरेशन और ट्रांसपिरेशन वेपर बन के चला जाता है। द रेस्ट सीप इन टू द ग्राउंड, और कुछ पानी वापस ग्राउंड में आ जाता है। ग्राउंड में मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम अवेलेबल एज ग्राउंड वाटर, तो इस पानी को अपन बोलते हैं ग्राउंड वाटर। जो पानी रेन के थ्रू आता है लैंड पे और वो सॉइल में डिसअपियर हो जाता है, तो उस पानी को अपन बोलते हैं ग्राउंड वाटर। ओपन वेल आर फीड बाय द ग्राउंड वाटर। फिर क्या, हमें वेल्स में और सोर्स ऑफ मैनी लेक एज वेल, जो पानी के काफ़ी सारे सोर्स होते हैं, जैसे लेक हो गई और ग्राउंड पे जैसे अपन हैंड पंप और ट्यूबवेल से पानी का इस्तेमाल करते हैं, पानी को निकालते हैं, यूज़ करते हैं। अब और इसके अलावा पानी को क्या है, ग्राउंड में काफ़ी नीचे नीचे खोद के निकाला जाता है। लेकिन अभी क्या है, पानी इतना ज़्यादा नीचे चला गया है हमारे अर्थ में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वरिसम। पहली वांट टू शेयर कॉन्सेप्ट विद द यू, पहली इस कॉन्सेप्ट को हमारे साथ शेयर करना चाहती है। दोज एरिया वर द लैंड लेटेन ऑन और नॉन वेजिटेरियन, कौन सा लैंड का एरिया है जो कि नॉन वेजिटेरियन है। द रेन वाटर फ्लो अवे क्विकली, जिसमें बहुत जल्दी रेन वाटर आता है। फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, कौन सी टॉप लेयर है सॉइल की जिसमें पानी जाता है। तो ये सब चीज़ें पहली हमारे साथ डिस्कस करना चाहती है। तो पानी का हमें कहाँ मिलता है, ग्राउंड वाटर में। वी नाउ न्यू दैट वाटर ब्रॉट बैक टू द सर्फेस बाय द अर्थ वाइज, हम ये चीज़ तो जान चुके हैं कि जो पानी है हमारी अर्थ पर वापस रेन के थ्रू आता है, हेल और स्नो के थ्रू गोज बैक, और जो कि ओशियन में चला जाता है। वाटर फ्रॉम द ओशियन एंड सरफेस ऑफ द अर्थ गोज इन टू द एयर, और जो सरफेस से पानी कैसा जाता है ऊपर, सरफेस से जो हमारी लैंड की सरफेस है अर्थ है, उससे पानी हमारे कैसे जाता है, एयर इज़ वेपर रिटर्न, और फिर वापस कैसे आ जाता है, रेन के फॉल में, और रेन के फॉल में हेल और स्नो बन जाता है। फाइनली गोज टू द, और फिर लास्ट में पानी कहाँ चला जाता है, ओशियन में। मतलब यही है कि, और इस सारे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज़ नॉन एज द वाटर साइकिल, जो ये पानी का सर्कल होता है, कि कौन सा सर्कल, जब वाटर वेपर होता है, इवोपरेशन और ट्रांसपरेशन होता है, तो उससे पानी हमारा ऊपर चला जाता है और वापस रेन हेल और स्नो के फॉर्म में वापस अर्थ पे आ जाता है, सरफेस पे, और ओशियन में पानी चला जाता है। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं वाटर साइकिल। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड लैंड, और ये जो सर्कुलेशन होता है किसके बीच में होता है, लैंड और ओशियन में होता है। इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस दिस मेंटेनेंस ऑफ द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड, इस प्रोसेस से क्या होता है, पानी का सप्लाई होता है लैंड पर, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, वॉट इफ़ इट रेन हैविली, अगर भारी वर्षा होती है तब क्या होता है। तो द टाइम ड्यूरेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रेनफॉल हर जगह पे अलग अलग तरीके से होता है, मतलब कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम अलग अलग रीजन में। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट रेन थ्रू आउट द ईयर वाइल देयर आर प्लेसेस वर इट रेन ओनली फ्यू डेज, कुछ जगह पे तो सिर्फ कुछ दिन ही बारिश होती है और कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। तो इन अ कंट्री मोस्ट ऑफ रेनफॉल ऑकर ड्यूरिंग अ मानसून, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है उस एरिया को, उस सीज़न को अपन क्या बोलते हैं, मानसून। जब बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है, बहुत ज़्यादा रेन हो जाती है, तो क्या होता है कि फसलें ख़राब हो जाती हैं, बाढ़ आ जाती है, और रेन, ये देखो जैसे घर बह जाते हैं, बहुत ज़्यादा लॉस होता है, बीमारियाँ फैलती हैं और घर बिखर जाते हैं, और बाढ़ आ जाती है, ये देखो सब कुछ नष्ट हो जाता है, और बहुत ज़्यादा वो बीमारियाँ भी बनती हैं, कचरा भी हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो फ्लडेड एरिया हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है तो इस तरह से बहुत सारे लॉसेस भी हो जाते हैं।
और अगर रेनफॉल बिल्कुल भी ना हो तो क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा। सूखा पड़ जाने से क्या होता है कि फूड और फोडर दोनों की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि खाना तो पानी से ही पकेगा, फसलें कब उगेंगी जब उनमें पानी दिया जाएगा। तो जब पानी ही कम होगा, जब वाटर ही कम होगा, तो फिर पानी फूड कैसे बनेगा, तो उससे भी बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं। अब हम आगे देखते हैं, हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, पानी को हम कैसे सेव कर सकते हैं। पानी को सेव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल इन द अर्थ इज फिट फॉर यूज़ फॉर ऑफ प्लांट ह्यूमन और एनिमल। तो जो ह्यूमन और एनिमल, हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, पानी को किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज फिट फॉर यूज़ ऑफ प्लांट एनिमल और ह्यूमन। तो क्या है कि जो हमारे इस अर्थ पे जितना भी वाटर है, वो जो पानी है, वो जो एनिमल ह्यूमन और प्लांट्स के लिए हमें फिट वाटर चाहिए होता है। मतलब हमें फिट रहने के लिए, इन तीनों को फिट रखने के लिए हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है इनको फिट रहने के लिए। मोस्ट ऑफ द वाटर इन द ओशियन, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी कहाँ है हमारा, अर्थ ओशियन पे है, अर्थ में ओशियन पर, ओशियन के अंदर है। पर ओशियन का जो पानी है वो हमारे पीने लायक नहीं होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इससे टोटल अमाउंट ऑफ वाटर अर्थ रिमेन द सेम बट द वाटर अवेलेबल फॉर यूज़ ओनली लिमिटेड। तो अर्थ पे हमारी पानी तो बहुत है, पर क्या होता है कि पानी तो बहुत है लेकिन वो पानी हमारे इस्तेमाल के लायक नहीं है। तो पानी इसलिए क्या है, कम हम पानी तो बहुत है लेकिन वो क्या गंदा भी तो होता जा रहा है, लोग उसको गंदा कर रहे हैं, उसकी डे बाई डे डिमांड ज़्यादा होती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की लाइनें लगती हैं पानी को लेने के लिए। तो इसके लिए हमें, और फैक्ट्रीज़ में भी पानी का बहुत यूज़ होता है और उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय भी किया जाता है। तो अब इसमें हम आगे देखते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है पानी को स्टोर करना। तो उसके लिए देखो हमें क्या करना चाहिए, जब कभी हमारे यहाँ रेन आ रही हो तो हमें इस तरह से, जैसे छतों पर रेन आ रही है तो हमें पाइपलाइन लगा के इस तरह से हमें पानी को क्या स्टोर करके रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि जब कभी भी आपको पानी की रिक्वायरमेंट हो तो आप इससे पंप के थ्रू वगैरह और कई सारे जो हमारे सोर्स हैं उनके थ्रू हम पानी को निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा हाल। और इसके अलावा अनदर ऑप्शन इज़ अलाउ टू वाटर टू गो इनटू ग्राउंड डायरेक्टली द रोड साइड ड्रेन। और इसके अलावा जो सड़कों पे क्या है पानी वो भी सूख रहा है, तो वहाँ पे भी क्या करना चाहिए, जो सड़कों पे पानी बह रहा होता है उस पे भी रेन वाटर को हमें कलेक्ट करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कम्प्लीट हो गया है। चैप्टर कैसा लगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, चैप्टर समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और साथ ही इस बात, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भूलिएगा। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।